यो व्हाट्स अप गाइस, इज मिस्टर सीरीज और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ माइनक्राफ्ट में एक ऐसा टेक्सचर पैक जो कि बहुत ज्यादा एपिक है, बहुत ज्यादा ओपी है। टाइटल में देख लिया होगा, थंबनेल में देख लिया होगा। तो जी हाँ गाइस, ये लेके आया हूँ मैं काफी अच्छा पैक आपके लिए जो कि माइनिंग करते करते आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो कैसा पैक है देखते हैं चलो। एज यू कैन सी अभी तो आपको कोई फर्क नहीं दिख रहा होगा राइट, पर जैसे मैं रात करूंगा तो ये और ग्लो कर रहे हैं। लेदर, डीप स्लेट और नॉर्मल और सब पे वर्क करता है ये चीज। ये देखो मैं लगाता जा रहा हूँ, आप देखते जाओ जो कि काफी ओपी है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा, जैसे आप माइनिंग पे जाते हो और माइनिंग में आपको कुछ चीजें नहीं दिख रही तो आपको ये दिखने लग जाएंगी जो कि बहुत ज्यादा ओपी है। अभी मैं आपको नेदर में लेके चलता हूँ। ओके गाइस, तो हम नेदर में आ चुके हैं, मैं आपको एक बायोम में लेके चलता हूँ। तो गाइस आपको इसमें डिफरेंस लग रहा होगा कि ये ग्लो कर रहा है राइट। नेदर की जो भी वुड है उसका जो लॉग है वो भी आप ग्लो करेगा, चाहे वो ब्लू वुड है चाहे कौन सी। और ये देखो भाई क्या मस्त ग्लो कर रहा है। चलो ये तो ठीक है, आप गोल्ड और भी दिखाता हूँ इसका, नेदर का। ये देखो गाइस ये भी ग्लो कर रहा है, जो ये वाइन्स होती है ये भी ग्लो कर रही है, गोल्ड का और भी ग्लो कर रहा है और ये भी ग्लो कर रहा है जो कि काफ़ी मस्त लग रहा है देखने में। सो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को फॉलो करके या फिर क्लिक करके आप इस वेबसाइट के इस पेज पे आ जाओगे। देन आपको क्या करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बटन दिख रहा होगा डाउनलोड का, काफ़ी सारे बटन है, लेकिन हमें ऊपर वाले पे क्लिक करना जिसपे V2 लिखा है, वर्जन 2। मे बी फ्यूचर में अगर अपडेट आए तो जो लेटेस्ट वर्जन है आपको वो ही डाउनलोड करना है, जिसपे मैं क्लिक करता हूँ। देन इस तरह का एक ऑप्शन आएगा, आपको लिंक पे फिर से क्लिक करना है। देन आपसे पूछेगा प्लीज वैलिडेट दैट यू आर अ नॉट रोबोट। वो करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, फ्री एक्सेस विद ऐड वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको डिस्कवर आर्टिकल का जो बटन दिख रहा है आपको करना क्या, इसके ऊपर ही क्लिक कर देना है। फिर एक टाइमर चलेगा, इसको क्लोज कर देना है। टाइमर के बाद इसके बाद कंटिन्यू टू वेबसाइट पर क्लिक कर देना है और अभी आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इसे डाउनलोड कर लेना है। नाउ आपको इसको ढूंढना है कि यह डाउनलोड होके गया कहाँ है। फाइल ढूंढने के बाद उसको रीनेम करना है। रीनेम करने के लिए आपको क्या करना है, बस इसका .zip को कट कर देना है। अगर MCPEG लिखा है तो बहुत बढ़िया, यही आपको करना है और इसे सेव कर देना है। नाउ इस पर क्लिक करना है और आपको डॉक्यूमेंट वाले बटन पर क्लिक कर देना है और माइनक्राफ्ट को क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर हमारा इम्पोर्ट हो चुका है। उसके बाद आपको करना क्या, सेटिंग्स पे जाना है और ग्लोबल रिसोर्सेज वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने आ रहा होगा एक्टिव पैक और माई पैक। माई पैक में जाके आपको इसे एक्टिवेट कर देना है, तो मैं इसे एक्टिवेट कर देता हूँ। एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा जिसके नीचे डीएक्टिवेट का बटन भी लिख जाएगा। अभी आपको क्या करना है, बैक जाना है और आपका पैक लोड हो जाएगा। अभी आप अपना कोई भी वर्ल्ड ओपन करके देख सकते हो। सो वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना, इस वीडियो को लाइक करके जाओ, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।